अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं आ गया एक और न्यू वीडियो के साथ, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गेम लूप को सेट प्रायोरिटी, रियल टाइम या हाई पे कैसे खेल सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि बहुत कम बंदे यार सब्सक्राइब कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बंदे वीडियो देख के चले जाते हैं। तो भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को और लाइक कर दिया करो वीडियो को यार। आप कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक बटन है फ्री का, वो लगाना है, आपका ही फ़ायदा होता है वीडियो देखकर। तो अभी आते हैं सेटिंग की तरफ। तो इधर आपको मैं टास्क मैनेजर में पहले आपको बताऊंगा कि डिटेल में जाना है आपको। एंड्रॉयड एमुलेटर जो होता है ये सेट प्रायोरिटी अभी नॉर्मल है, इसको रियल टाइम कैसे करेंगे। अभी मैं जाऊँगा रियल टाइम करूँगा तो अभी चेंज प्रायोरिटी का बता रहा है, चेंज प्रायोरिटी अभी नहीं हो रहा, देखो एरर दे रहा है आगे कुछ, है ना, अभी नॉर्मल से रियल टाइम नहीं हुआ। तो इसको रियल टाइम करना कैसे है, वो कुछ एक कोड है वो आपने डालना है तो उससे हो जाता है। तो अभी मेरी बात गौर से सुनना है ना, इस सेटिंग को लगाते वक्त आपका गेम जो है गेम लूप वो मस्ट ओपन होना चाहिए, पीछे ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रियल टाइम का कोड है, हाई का कोड है, नॉर्मल का कोड है। तो है ना, इसमें मैं अभी रियल टाइम को उठाता हूँ, कॉपी करना है इसको कंट्रोल सी करके। अभी इधर नीचे आपने लिखना है CMD। अब इधर बात गौर से सुनना, इधर आपने हर बार आना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। सादा लगाओगे मतलब इस तरह क्लिक करके तब ये काम नहीं करेगा, आपने आना है सीधा CMD लिखना है और फिर इधर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है हर बार, इधर फिर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। अभी देख सकते हो इधर हमें सक्सेसफुल बता रहा है, ये कोड काम कर गया है ना। अभी इसको काटेंगे, इसको जाके अभी टास्क मैनेजर में डिटेल्स में, उसके बाद सेट प्रायोरिटी हमारी रियल टाइम हो गई है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे फ़ायदा हो आपको। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।